अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस बार हमें कॉट की वैल्यू दी गई है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू हमें मालूम करनी है। कॉट की वैल्यू प्लस में और साइन भी प्लस में, तो कॉट और साइन दोनों एक साथ प्लस में, सिवाय फर्स्ट क्वाड्रेंट के और कहीं हो ही नहीं सकते। यही वजह है कि जो हम यूनिट सर्किल इस बार कंसीडर करने जा रहे हैं उसमें हमें एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना होगा। जी, तो इस पर तो खैर आप बात कर चुके हैं बहुत तफसील से, आगे बढ़ते हैं। कॉट, कॉट की मदद से हम टैन मालूम कर सकते हैं, तो पहली फुर्सत में हम टैन मालूम कर लेते हैं। हम जानते हैं टैन वन ओवर कॉट के इक्वल होता है, कॉट की जगह कॉट की वैल्यू पुट कर लेते हैं 3, और ये हमारे पास टैन की वैल्यू आ गई, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये सब पॉजिटिव आ रहा है। अब हम यहां पर लिख सकते हैं कि टैन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो tan थीटा की जगह हम tan थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी कि 1/3 इज इक्वल्स टू y ओवर x। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं तो x into 1 x हो गया, 3 वहां पे जाके y से मल्टीप्लाई होकर 3y हो जाएगा। क्यों x इक्वल्स टू 3y, दिस कैन बी कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। और अब हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, तो x की जगह ये वैल्यू पुट करने से हम y यानी कि sin थीटा मालूम कर सकते हैं। तो x की जगह हम लिखते हैं 3y, x का स्क्वायर 3y के ऊपर आ चुका है, आगे प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 as it is, स्क्वायर जब 3y पर अप्लाई होगा ये बनेगा 9y स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 1 as it is, 9y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बनता है 10y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 as it is, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके डिवाइड करेगा। उसके बाद स्क्वायर रिमूव करने के लिए taking square root both sides, तो आप मुलाहजा कर सकते हैं दोनों जगह square root आ चुका है, यहाँ square से square root cancel, y plus 2 1 का square root 1 होता है, 10 root से बाहर नहीं आ सकता, फिलहाल इसको हमें root 10 ही लिखा रहने दिया है। तो y की value आ चुकी है हमारे पास plus minus 1 over root 10। तो यहाँ पर अब हमें sine select करना है, तो हम जानते हैं कि q के angle first quadrant में, therefore, y equals to positive 1 over root 10. और हम लिखकर दे सकते हैं कि sin theta equals to 1 over root 10. तो हमारे पास sin की वैल्यू फाइनली 1 over root 10 आ चुकी है। अच्छा, एग्जाम्स में अच्छा माना जाता है कि अगर आप जवाब रैशनलाइज करके दें। रैशनलाइज करने का मतलब है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना, यानी कि डिनोमिनेटर से रूट को रिमूव करना। तो भारत मैट्रिक क्लास में बहुत तफसील से आप ये बात समझ चुके थे कि रैशनलाइजेशन का प्रोसेस किसे कहते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसको रैशनलाइज करता हूँ देन मुझे रूट 10 से इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई भी करना होगा और डिवाइड भी करना होगा, क्योंकि मैथ्स में हर वो काम अलाउ है जिससे मैथ्स की वैल्यू पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो अगर मैं इसको रैशनलाइज करता हूँ तो मुझे इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ऊपर तो रूट टेन इंटू वन रूट टेन हो जाएगा और नीचे रूट टेन इंटू रूट टेन रूट टेन का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और रूट टेन ओवर टेन ये भी साइन की एक और पॉसिबल वैल्यू है, यानी कि अगर आप चाहें तो साइन की वैल्यू अंडर रूट टेन ओवर टेन भी लिख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जिधर आप चाहें इस अंदाज से आप रैशनलाइज कर सकते हैं। सो वी पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अब जहां साइन यानी कि y आ रहा है वहां y नहीं लिखेंगे बल्कि 1 ओवर रूट 10 लिखेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन 1 थी x इज इक्वल टू 3y, तो ये बनेगा x इज इक्वल टू 3 इंटू 1 ओवर रूट 10, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 3 ओवर अंडर रूट 10 आ जाएगी। और हम इसी को कह सकते हैं कि असल में cos की वैल्यू 3 ओवर रूट 10 हमारे सामने आ चुकी है। तो फाइनली हमारे पास साइन आ चुका है, हमारे पास कॉस आ चुका है, हमारे पास कॉट मौजूद था, हमारे पास टैन भी आ चुका है। अब रह गए हैं कॉस और सेक। तो कॉस इनवर्स होता है, सेक इनवर्स होता है। यार बैटरी खत्म हो रही है, कैमरा बंद हो जाएगा। अब हम मालूम करेंगे सेक थीटा जो कि कॉस का इनवर्स होता है। टू फाइंड सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 ओवर x, x की जगह हम लिख सकते हैं 3 ओवर रूट 10 और 1 डिवाइड बाय 3 ओवर रूट 10 का मतलब है 1 मल्टीप्लाई बाय रूट 10 ओवर 3 और 1 से मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो sec की वैल्यू आ गई रूट 10 ओवर 3। अब हमने आखिर में वैल्यू मालूम करनी है cosec की, तो cosec की वैल्यू हम यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं। y यानी कि sin थीटा हमारे पास आया था 1 ओवर रूट 10,
तो 1 ओवर रूट 10 का रेसिप्रोकल मतलब 1 डिवाइड बाय 1 ओवर रूट 10 ये बनेगा 1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 10 ओवर 1 यानी कि जस्ट रूट 10 हमारे पास जवाब आएगा। तो यू यहां पर भी इस सवाल में भी आपको समझ आया होगा कि कैसे हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखकर बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बार किए।